हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के चौथे चैप्टर का दूसरा टॉपिक दक्षिण भारत। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। तो दक्षिण भारत में जो मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, धीमे धीमे उसका क्या हुआ, अंत हो गया। लेकिन उसके अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक जो बड़े बड़े राज्य थे उन्होंने अपना शासन किया, वो दक्षिण भारत में खूब फले फूले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत था वो अपनी जो दस्तकारी थी, बारीक दस्तकारी। दस्तकारी माने होता है हाथ से बना हुआ सामान। तो ये बहुत सुंदर सुंदर हाथ से सामान बनाते थे अपने, और समुद्री व्यापार के लिए जो ये स्थान था बहुत अधिक प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत तब अपनी बारीक दस्तकारी के लिए और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। तो जो ये दक्षिण भारत था उसकी समुद्री ताकत बहुत ज्यादा थी और समुद्र के रास्ते से ही सारा काम होता था, सारा व्यापार होता था। तो यहाँ पर क्या था, जो जहाज थे वो दूर देशों तक माल पहुंचाते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी पाए गए हैं। तो वहाँ पर यूनानी बस्तियां भी मिली है, जिससे पता चलता है कि यूनान के लोग भी यहाँ पर आकर बसे थे और रोमन सिक्के भी यहाँ पर पाए गए हैं। उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। तो उत्तर भारत पर जो बार बार हमले हो रहे थे, विदेशी लोग आते थे, हमला करते थे, उसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव था वो दक्षिण पर नहीं हुआ था। लेकिन जो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ये हुआ था कि बहुत से लोग थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने लगे, वहां पर जाकर बस गए थे। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। तो जो लोग दक्षिण में जाके बसे थे उन लोगों में कौन कौन लोग थे, जो राजगीर थे, शिल्पी थे और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो दक्षिण था वो पुरानी जो कलात्मक परंपरा थी उसका केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर भारत था वहां से बहुत अधिक संख्या में जो शिल्पी थे, कारीगर थे, राजगीर थे, वो सब आए थे। तो इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर महल बनाए, बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने क्या किया, किले वगैरह बनाए दक्षिण में। तो जो दक्षिण भारत था वो पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और जो उत्तर था उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। और उत्तर में क्या हुआ, जो आक्रमणकारी थे, जो बाहर के लोग आते थे हमारे देश में, हमला करते थे, तो अपने साथ नई नई विचारधाराओं को लेकर आते थे। तो उत्तर जो था उन नई धाराओं से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, जो बाहर के लोग आए थे उनकी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, विचारधाराएं थी, उनका उन इन लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा उत्तर के लोगों पर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो दक्षिण था, दक्षिण भारत था, उसमें मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। उसके अंत होने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक जो बड़े बड़े राज्य थे वहां पर खूब फूले फले। और जो दक्षिण भारत था वो अपनी बारीक दस्तकारी के लिए और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। उसकी ताकत जो थी, समुद्र की ताकत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सारा काम जो होता था, सारा व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते से ही होता था। और इनके जो जहाज थे दूर देशों तक माल पहुंचाते थे। वहां पर यूनानियों की बस्तियां मिली है और रोमन सिक्के भी पाए गए हैं। तो जो उत्तर भारत पर बार बार हमले होते थे उसका सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं हुआ था, लेकिन जो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ था कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आकर बस गए थे। तो इन लोगों में जो लोग थे, जो आकर बसे थे, उनमें राजगीर और शिल्पी कारीगर भी शामिल थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब ये लोग आए थे यहाँ पर दक्षिण में, तो जो दक्षिण भारत था वो पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। और जो उत्तर के लोग थे, उनका जो बाहर के लोग आते थे यहाँ पर, वो अपने साथ नई नई विचारधाराएं लेकर आते थे। तो उत्तर के लोगों पर इन नई विचारधाराओं का बहुत अधिक प्रभाव हुआ।